शाजापुर के वार्ड नंबर 9 और 10 के पास बना ट्रेचिंग ग्राउंड रहवासियों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। ट्रेचिंग ग्राउंड के कारण वार्ड में रहने वाले लोग गंदगी, दुर्गंध और प्रदूषण से परेशान हैं। लेकिन अब जल्द ही इन्हें इस दुर्गंध और प्रदूषण से राहत मिलने वाली है। जानकारी देते हुए नगरपालिका सीएमओ मधु सक्सेना ने बताया कि कचरे को डिस्पोजल करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया की गई है और जिसे स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा गया है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए नई जगह का आवंटन भी नगरपालिका से प्राप्त कर लिया गया है। उसके डेवलपमेंट का भी प्लान चल रहा है और आचार संहिता हटते ही उसे भी शुरू किया जाएगा। मैंने एक टेंडर किया है पुराने लीगेसी वेस्ट को डिस्पोजल करने का, तो अभी वो SLTC भोपाल में भेजा गया है। आचार संहिता लगने के कारण अभी इसमें वर्क इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। जैसे ही ये काम आचार संहिता के बाद स्टार्ट होगा तो उस कचरे से निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा हमने ट्रेंचिंग ग्राउंड की नई जगह का आवंटन भी प्राप्त कर लिया है, उसके डेवलपमेंट का भी प्लान चल रहा है, वो भी आफ्टर आचार संहिता ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ग्रामीण भारत TV के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तार की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।